होम साइंस कॉलेज वार्षिक स्नेह सम्मेलन, बेटियां हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। केंद्र की मोदी और प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कई नवाचार शुरू किए हैं। ये विचार प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने मोहनलाल हरगोविंद दास महिला कॉलेज के वार्षिक स्नेह सम्मेलन में जाहिर किए। उन्होंने कहा कि सरकार के उठाए गए कदमों की वजह से बेटियों की उड़ान को पंख लग गए हैं। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर नंदिता सरकार की अध्यक्षता में वार्षिक स्नेह सम्मेलन में उत्तर मध्य के विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न खेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, शिक्षा और अन्य रचनात्मक प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागी छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर उपलब्धियों के लिए कॉलेज के प्राध्यापकों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में छात्राएं मौजूद रही। ऐसा अवसर जब महाविद्यालय के साल भर के कार्यों का लेखा जोखा तो होता ही है, लेकिन वहीं उसके साथ साथ ऐसे वो बच्चे या वो विद्यार्थी जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उनको पुरस्कृत करके एक वातावरण का निर्माण भी बनाने का प्रयास होता है ताकि सभी उससे प्रेरणा ले सकें। इस बात को हमें समझना चाहिए कि जब कोई बेटा शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ता है तो उसके कारण से उस एक परिवार का कल्याण होता है, लेकिन जब कोई बेटी शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ती है तो एक नहीं बल्कि वो दो दो परिवारों का कल्याण करती है। और इसलिए बेटियों की शिक्षा का आज बहुत महत्व है। और आज ऐसा नहीं है, हम इतिहास के पन्ने पलटा कर देखें, हम अपने वेदों को देखें, शास्त्रों को देखें तो हमें ध्यान में आएगा कि उस समय पर भी विदुषियां हुआ करती थी। इतनी ज्ञानवान जो समाज और देश को दिशा देती थी, उनसे मार्गदर्शन लिया जाता था। कालांतर में बाद की परिस्थितियों में मुगल काल, ब्रिटिश काल, कुछ परिवर्तन हुए, कुछ कुरीतियां आई, लेकिन एक बार आज फिर अवसर मिला है बेटियों की उड़ानों को पंख लगने का, क्योंकि तो देश में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने ये तय किया कि बेटियों के साथ ना तो किसी तरह का कोई भेदभाव होगा और बेटियों को आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाएंगे। और यही कारण है कि आज सेना में भी बेटियां बंदूक हाथ में लेकर दुश्मनों के दांत इकट्ठे करने को तैयार हैं।